गुड मॉर्निंग, मैं आपका दोस्त उदय अथरोलिया, अथरोलिया उदय प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो लगातार हिंदी फिल्मों में अभिनय करते रहे और आपके दिल को छूते रहे। आपने अंजुमन फिल्म जो मुजफ्फर अली ने डायरेक्ट की थी में काम किया है और आपने अनेक डायरेक्टरों के साथ काम किया है, जैसे सलाम बॉम्बे मीरा नायर के साथ और कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान आपने देखी होगी और मटरू का मंडोला विशाल भारद्वाज की फिल्म। ये ऐसी शख्सियत हैं जो बहुत अच्छे राइटर भी हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। हबीब आजमी साहब बहुत ही कमाल के कलाकार हैं और आज भी लगातार अपनी ऊर्जा से हम सबको प्रफुल्लित कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं हबीब आजमी जी से, हमारे अद्भुत कलाकार और अद्भुत व्यक्तित्व के धनी। सलाम अलैकुम भाई जान। नमस्कार, सलाम। कैसे हैं आप? अरे वाह, आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है आज। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी है। मेरा भाग्य है कि आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं। नसीब, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, नसीब वाला हूँ। तो हबीब जी, जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म तो हुआ आजमगढ़। अच्छा, और बाकी जो एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज थी, हाँ, वो लखनऊ में हुई। अच्छा, वहाँ बहुत थिएटर वगैरह किया। अच्छा, बहुत काम किए। तो अपने फिल्मी जीवन का प्रारंभिक दौर के बारे में कुछ बताइए। मैं असल में क्या हुआ कि जब 7वीं में फेल हो गया जी, तो भाग कर बम्बई आ गया कि अब मुझे फिल्मी दुनिया में कुछ करना है। अच्छा, और संसार में आया जब ड्रामे चल रही थी, ड्राम चलती थी रोड के ऊपर, तो घूमा तो मुगले आजम लगी थी मिनरवा में, वो मराठा मंदिर में, तो वहाँ पर देखा। हाँ, बड़ा खुश हुआ। हाँ, और हिट, वो बाहर से मराठा मंदिर लगता ही नहीं था, लगता अच्छा। था कि जैसे अकबर का महल है। अच्छा, हबीब जी आपसे एक रिक्वेस्ट है जी, जी कि आप थोड़े से खड़े हो जाएं, लाइट की प्रॉब्लम आ रही है। आप आइए मेरे साथ, आइए आप झंडे के पास आइए। सर इधर आइए। हाँ, वेरी गुड। तो मराठा मंदिर में आपने मुगले आजम देखी? मुगले आजम देखी नहीं जी, बल्कि उसका बाहरी हिस्सा देखा मुगले आजम का। अच्छा अच्छा अच्छा, के साहब वो शाही फरमान लटका हुआ है। हाँ, हाँ, और पृथ्वीराज कपूर जो है वो खड़े हुए हैं तोप के पास में। हाँ, 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 और क्या कहते हैं, हुक्म लिखा हुआ है उसमें के बनाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, तुम पर इल्ज़ाम है कि तुमने ऐसा ऐसा किया और दुर्जन सिंह को बहकाया, ये वो बहुत सी चीज़ें। तो हबीब जी ये बात बताइए, बम्बई में आप शुरुआत कर रहे थे जी, और बम्बई में आप नए नए थे जी, क्योंकि आप घर से भाग के आए थे जी, जी। आप बहुत ही दिलेर और साहसी पुरुष हैं, हमने आपको बहुत फिल्मों में देखा है। हाँ, आप कमाल के अभिनेता हैं। तो आप अपने शुरुआती सफ़र के बारे में कुछ बताइए। ऊपर वाले का करम है। हाँ, हाँ। मैं यहाँ फुटपाथों पर सोया, भूखा रहा, और एक बार इफ्तिखार साहब महबूब स्टेडियो में मिले, मैं जैसे तैसे उनसे जाके मिला, तो कह रहे बरखुदार आप क्या करते हैं? मैंने कहा कि फिल्म लाइन में अगर कुर्सियाँ भी उठाना पड़ेंगी तो उठा लूँगा। तो कहने लगे अच्छा है, इतनी हिम्मत है। अच्छा ये बताओ, क्या रोज़े से हो? रोज़े रमज़ान के दिन। रमज़ान पाक महीना होता है। हाँ, तो मैंने कहा हाँ रोज़े से हूँ। कहना माशाल्लाह, अच्छा क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैं गाना भी गा लेता हूँ और क्या कहते हैं एक्टिंग भी कर लेता हूँ, सब कुछ मुझ में है सलाहियत थोड़ी बहुत जो भी है। हाँ, हाँ, तो उन्होंने एक सप्लायर से उनसे कहा कि अरे भाई विनोद यहाँ आओ। हाँ, और ये लड़के को तुम जो है अपनी फिल्म में कहीं ना कहीं कोई जगह देखना। हाँ, देखना जूनियर। हाँ, में या कहीं पर भी। हाँ, हाँ, मैं बड़ा खुश हुआ, बहुत उनको वो किया। हाँ, शुक्रिया अदा किया। हाँ, 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 अब शुक्रिया अदा किया वो करने के बाद फिर मैं अब विनोद ने कहा कि भाई ये कपड़े जैसे तुम पहने हो मामूली फुटपाथी। हाँ, ऐसे हाँ, नहीं चलेंगे कपड़े पहन के आओ अच्छे। हाँ, हाँ, अब मैं समझ लीजिए कि इतने जुनून में था। हाँ, पैसे जेब में नहीं थे, भूख से यानी ज़िंदगी गुजर रही थी। मैंने कहा अगर ट्रेन में बैठूंगा पकड़ा जाऊंगा तो सपना सपना ही रह जाएगा। हाँ, हाँ, मैं जो है पैदल निकल गया। हाँ, हाँ, कहाँ बांद्रा और कहाँ भिवंडी। हाँ, हाँ, तो भिवंडी में मेरे भाई रहते थे। मैंने कहा उनके पास जाऊंगा और जा कर के कहूँगा कि भाई ऐसा है कि मेरे कपड़े बनवा दो, मुझे चांस मिल गया है। हाँ, 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 तो उन्होंने कहा कि
कैसे आए हो? हमने कहा बस चल के आए हूँ। कह रहे वो तो तुम्हारी हालत से पता लग रहा है। खैर साहब, नहलाए धुलाए गए और फिर अर्जेंट कपड़ा जो है हमको पहनाया गया और ठीक ठाक होकर के फिर मैंने कहा कि आप कुछ पैसे दे दिए तो मैं जा करके वहाँ पर गुजर बसर कर लूँगा और फिल्म लाइन में मुझे मौका मिल गया। हाँ हाँ हाँ। तो बोले कि अभी तो आए अब्बा हैं उनके जो है बोन टीबी हो गया है। हाँ हाँ। तुम अभी जाओ लखनऊ। हाँ हाँ। और जाके बाप से मिलो। हाँ हाँ। उसके बाद जब आ जाना तो मैं तुम्हें कहीं ना कहीं रखा दूंगा। हाँ। दिलीप कुमार के हैं इनके उनके हैं, मैं पहुंचा दूंगा। हाँ। तो मैं चला गया बाप की मोहब्बत में। गया तो पूरा 10 साल समझ लिए वहीं के वहीं गुजर गया। अच्छा। निकलना भारी हो गया, नहीं आ पाया। हाँ। खैर उसके बाद मैं लास्ट आना जाना रहा और लोग हमें दिलासा देते रहे कि 75 में आओ। हाँ। इसमें आओ उसमें आओ। 80 में मैंने ये तय कर लिया कि इनसे उनसे कुछ नहीं होगा। 80 में मैं आ गया। वाह। और आने के बाद जो है खुद स्ट्रगल किया। हाँ हाँ। और खुद स्ट्रगल करने के बाद वो ड्रामा वगैरह होता था, बीटी के सामने बड़ा स्कूल है। अच्छा। तो उसमें कादर खान साहब, अरे वाह, अपनी रिहर्सल करते थे कादर खान साहब। हाँ, अपनी तरफ। हाँ। और हमारे क्या कहते हैं दोस्त है ताहिर साहब। अच्छा। उनका कागज के फूल प्ले हो रहा था। हाँ हाँ। जिसमें रजा मुराद रोल कर रहे थे। अरे वाह वाह। हैं रजा मुराद, डीएस राणा और ये जो मोना अजीत जिसको बोलते हैं मोना कहाँ है सोना। हाँ हाँ। वो मोना रोल कर रही थी। बहुत से आर्टिस्ट जो है रोल कर रहे थे। हाँ हाँ। आज समझ लीजिए कि वो वहाँ से मिलते हुए जुलते हुए इनसे उनसे होते हुए फिर मुझे मौका मिला अचानक। हाँ हाँ। आक्रोश फिल्म का। अच्छा। प्रियदर्शन कैसे? अच्छा। एक फोन आया, कहने लगे आपकी शूटिंग है। मैंने कहा मेरी शूटिंग? मेरी आक्रोश में तो ओमपुरी साहब थे ना। है नहीं आक्रोश पुरानी नहीं, नई वाली। नई आक्रोश। हाँ, अजय देवगन और अक्षय खन्ना वाली। अच्छा, नई आक्रोश प्रियदर्शन साहब। हाँ, प्रियदर्शन। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो जब वो आया तो मैंने कहा मेरी तो बातचीत किसी से हुई नहीं है। हाँ, 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 हाँ। तो कहने लगे, मैंने बोला नहीं, दिल में सोचा। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा शूटिंग? तो उन्होंने कहा हाँ शूटिंग है, तो आपका जो है टिकट आ जाएगा, वो आप सांता क्रूज एयरपोर्ट पहुंच जाइए। मैंने कहा लग रहा है अप्रैल फूल से पहले अप्रैल फूल मना रहा है। कैसी फिल्म, हमने बातचीत नहीं की। तो फिर भी मैंने कहा चलो देखेंगे। तो अचानक उसने कहा कि आप कहाँ हैं? हाँ। मैंने कहा मैं मलाड हूँ। मैं हूँ करे बस से आ जाइए, पाटलिपुत्र पे उतर जाइए। हाँ। तो मैं मलाड से बस से आया, पाटलिपुत्र पे उतरा। तो उसने क्या किया कि हमको एक प्लेन का टिकट हाथ में दे दिया। तो प्रियदर्शन साहब के साथ आपने काम किया। हाँ। और आप लगातार काम कर रहे हैं। हाँ। आप हमें ये बताया कि कबीर खान के साथ में आपने जो काम किया था बजरंगी भाईजान जी, जी उसका जी। थोड़ा सा अनुभव बताइए भाई। क्या हुआ कि हमें हनी सिंह के रेहन है। हाँ है। उन्होंने हाँ, क्योंकि हम मंडू के बिजली का मंडोला किया था। हाँ, हाँ, हाँ। तो उनको मालूम है, जानते हैं सलाहियत। और जल पिक्चर मैंने किया गिरीश मलिक की। हाँ, हाँ, हाँ। वो है तो उस सब नाते से वो हमें जानते थे। तो उन्होंने कबीर खान से मिलाया साजिद साहब के यहाँ, साजिद नड़ियादवाला के। अच्छा अच्छा। और वहाँ जब मिलाया तो उनसे बातचीत हुई। हाँ, हाँ। तो उन्होंने समझ लिया दो चार बातों में। अच्छा हबीब जी एक बात बताइए, आप इतने पुराने हैं, इतना अनुभव है आपको और आपने कमाल काम किया है, हम आपको सलाम करते हैं। आप हमारे भारत के गौरव है और आप जैसे बुजुर्गों की सहालियत हमें चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, दुआएं चाहिए। जी जी। पुराना जमाना और इस जमाने में क्या अंतर लगता है आपको? पुराने जमाने में सलाहियत थी और लोग सीरियस होके अपना सब कुछ उस पर निछावर कर देते थे एक फिल्म के लिए। अब आज जो है ये जो कंपनियां मिल करके कर रही हैं तो वो सिर्फ बिजनेस देख रही हैं। पहले गाने होते थे कि यहाँ कोई नहीं तेरे मेरे सिवा, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ। आज जो होता है लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस, पानी पानी पानी, आज ये गाने बज रहे हैं। तो उस वक्त में और आज के वक्त, उस वक्त फीलिंग थी, आज फीलिंग नहीं है। इतनी एडिटिंग हो जाती है कि हम देखते हैं चेहरा फट से गायब, उसका एक्सप्रेशन ही नहीं मालूम हो पाता है। तो फास्ट तो हो गए हैं और वर्ल्ड लेवल पर हम पहुँच गए हैं, लेकिन जो बात होनी चाहिए थी पुरानी जो फिल्में हैं। हाँ। उनमें दम था, आँख में आंसू निकल आते थे। अच्छा, कल पावन महीना शुरू हुआ है, नया साल शुरू हुआ है मुहर्रम का। जी, जी, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी भी आप खुश हैं ना? इसमें शुभकामनाएं नहीं है क्योंकि ये गम का महीना है। ओके ओके। इसमें जो है शहीद हुआ था पूरा परिवार, तो ये गम का है इसको हम। तो एक प्रश्न का उत्तर दीजिए आप अभी जी, कि आप आनंद में तो है ना?
मतलब प्रसन्न है ना आप अपने काम से? अभी 5 महीने कोविड 19 की महामारी में कैसे समय गुजारा आपने अपना? बस ऊपर वाले की दया से जैसे गुजरा, आप जैसे दोस्तों से मुलाकात हो गई, थोड़ा दिल खुश हो गया। नहीं नहीं नहीं, हमने सुना है हबीब जी की आप खूब अच्छा गाते भी हैं और कुछ लिखते भी हैं, तो कुछ गुनगुना के सुनाइए हमारे दर्शकों को। तुझे क्या सुनाऊं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं दिलरुबा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाया आपने। इसमें कोई शक नहीं है कि आप कमाल के अभिनेता हैं, कमाल के इंसान हैं, जो भी है। अब आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए हबीब जी, कि आप नई जनरेशन को, जो नई पीढ़ी आ रही है, इसको क्या संदेश देना चाहते हैं, जो नए अभिनेता अभिनेत्री आ रहे हैं, नए निर्देशक आ रहे हैं हमारे देश में? नए जितने भी कलाकार आ रहे हैं या निर्देशक आ रहे हैं या राइटर आ रहे हैं, ये समझ लिया कि आपको कुछ दान करना पड़ेगा, कुछ अपने, यानी जब कुछ खोएंगे तब कुछ पाएंगे। ये आप सोच लें कि हमें आते ही मिल जाएगा, तो आते ही मिल तो जाएगा, मगर फिर कहाँ जाएंगे पता नहीं लगेगा। और अगर आप मेहनत करेंगे, लगन से लगे रहेंगे, मैं और प्यार मोहब्बत से मिलते जुलते रहेंगे और ईमानदारी पे चलेंगे, झूठ मक्कारी पे 4 दिन की कहानी है। और अगर मेहनत करेंगे, ईमानदारी से बात करेंगे, तो इज्जत है। बहुत बढ़िया। और वैसे मैं बता दूं कि मैं ड्रामे में डायरेक्टर रहा हूं, आपके आदित्य पंचोली, डिंपल कपाड़िया और आपका वो जो वो हैं जिन्होंने उसमें मिस्टर इंडिया में गाना गाया था, बड़ी बड़ी, क्या नाम है उसका? उषा उत्तम। नहीं, दूसरी एक थी। अच्छा, कौन है? और क्या कहते हैं आपके ये जो BJP ने अभी मिनिस्टर बना, बाबू सुप्रियो, ये सब मेरे चेले रहे हैं। अरे वाह। और यूँ कह दूँ कि मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के बुत आज मंदिर में भगवान बने बैठे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है छोटी सी मेरी कहानी। एक बात बोलूँगा आपके लिए। बोलिए बोलिए। बत्तज़िल्ले मंतशा, बत्तज़िल्ले मंतशा, इंशाअल्लाह। अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। और अगर जिल्लत दे रहा है, उसकी आँख खोलने के लिए, कि अब भी सुधर जाओ। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आदमी 21 होना चाहिए, कलाकार 18 चलेगा। हमारे गुरु भी यही बोलते थे, कारण साहब, हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। नहीं, देखिए, कलाकार जो है वो तो पैदाइशी है। अच्छा, वो बच्चा पैदा होता है तो क्याओं क्याओं करता है, वो भी एक कला है। और निकलता है, रोता है, और माँ, और ये क्या कहते हैं, माँ की छाती की तरफ लपकता है। ये उसको कुदरत की तरफ से मिला है। ये हम सीख नहीं सकते हैं। हबीब जी आपसे मिलकर हम प्रफुल्लित हो गए हैं, और आपको देखकर हजारों लोग प्रफुल्लित होंगे। आपका जीवन स्वस्थमय रहे, आप प्रसन्न रहें और लगातार फिल्मों में काम करते रहें। आपको हम सलाम करते हैं, हमारा पूरा भारत आपको सलाम करता है, आप देश के नमक हैं। तो आप थे हबीब जी, हमारे कलाकार, हमारे भारत की शान। और मैं अब आपसे विदा लेता हूं, आपका दोस्त उदय अतरोलिया मड आइलैंड से है। हबीब जी आइए, आप चलते हुए आइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए, और यात्रा अभी तक चल रही है। हबीब जी लगातार काम कर रहे हैं, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, असीम शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया हबीब जी, थैंक यू, आपका भी थैंक यू।